जय श्री राम। हमारे देश में उत्सव एक प्रकार से सामाजिक शिक्षा का माध्यम है। हमारे हर उत्सव के साथ समाज को सामूहिकता की ओर ले जाना, समाज के प्रति संवेदन बनाना, मूल्यों के प्रति अहर्निश जागृत रखना और विकृतियों को मिटाने का निरंतर प्रयास करता रहना, इसकी एक प्रशिक्षा के रूप में हमारे उत्सवों की परंपरा। हमारे उत्सव खेत खलिहान से भी जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव नदी पर्वतों से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हजारों साल हो गए लेकिन प्रभु राम, इनकी गाथाएं आज भी समाज जीवन को चेतना देती रही, प्रेरणा देती रही। आज नवरात्रि के पावन पर्व के बाद विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन की परंपरा है। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है, लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में ये जो रावण प्रवृत्ति होती है उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागृत प्रयास करने होते हैं। हम 2022 आजादी के 75 साल को महापुरुषों ने जिस सपनों से स्वतंत्रता दिलाई उसके अनुरूप बना पाएंगे, और इसीलिए प्रभु राम जी की तरह हम भी कुछ संकल्प लेने का व्रत लेकर के चले। आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।